जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झाइयों से बहुत अधिक परेशान है। देखिए झाइयाँ क्योंकि फेस पर बहुत भद्दी लगने लगती है, दूर से चमकने लगती है, तो हर व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम काफ़ी ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है कि हमारी स्किन कैसी है, उसके ऊपर सूट क्या करेगा। और जो हमें जानकारी ही नहीं होती है, तो जानकारी के अभाव में हम कोई भी चीज़ अपनी स्किन के ऊपर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन को फ़ायदा नहीं हो पाता। तो आज यहाँ पर मैं झाइयों के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि हर स्किन पर सूट करेगा और हर स्किन के लोग इसको लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है या मिली जुली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही उपयोगी वीडियो है। ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ से हम परेशान हैं तभी उस चीज़ के बारे में हम जाने। अगर हमें कोई जानकारी होती है, तो अगर हमसे रिलेटेड कोई भी परेशान होता है, तो हम उसके काफ़ी काम आ सकते हैं। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो हमें क्या करना है? हमें लेना है दालचीनी का आधा चम्मच पाउडर। जी हाँ, केवल आधा चम्मच पाउडर। और आपको बना बनाया दालचीनी का पाउडर नहीं लाना है, क्योंकि बनी हुई किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। आप दालचीनी के टुकड़े खरीद लीजिए, मार्केट से बहुत सस्ते मिलते हैं, उनको कूट के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसके बाद मिक्सी में पीस के एक बारीक सा पाउडर बना लीजिए, ये बहुत जल्दी पीस जाता है। उसके बाद में अगर आपको डाउट है कि उसमें कुछ कण रह गए हैं मोटे, तो आप छलनी से उसको छान लीजिए और एयर टाइट डब्बे में भर कर रख लीजिए। और जो छानने के बाद में हल्का सा मोटा दरदरा पाउडर निकला है, उसको आप स्क्रब के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा शहद या थोड़ा सा दही मिलाकर आप स्क्रब के रूप में अपने फेस पर यूज कर सकते हैं। तो अब इस आधा चम्मच दालचीनी के पाउडर में हमें क्या मिलाना है? इसके अंदर सबसे पहले आप 1/4 चम्मच नारियल का या जैतून का तेल मिक्स कर लीजिए। नारियल और जैतून में से आपके पास में जो तेल उपलब्ध है, आप उसको मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास नारियल और जैतून दोनों का तेल नहीं है, तो आप रोगन बादाम की कुछ बूंदें या 1/4 चम्मच रोगन बादाम इसमें मिक्स कर सकते हैं। यानी जो बादाम का असली तेल आता है, छोटी सी शीशी में आता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो 1/4 चम्मच आप रोगन बादाम इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनको फेंटिए, उसके बाद में उंगली से लेकर के अपनी झाइयों के ऊपर लगाइए थोड़ा सा, और धीरे 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 कम से कम 2 से 3 मिनट आप मसाज कीजिए। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद उनको ऐसे ही फेस को अपने छोड़ दीजिए। फिर जो आपके पास में दालचीनी और तेल वाला मटेरियल बचा है, चाहे उसमें नारियल मिलाया है तेल आपने, चाहे बादाम का तेल मिलाया है, या आपने जैतून मिलाया है, कोई भी मिलाया है, यानी यही जो दालचीनी और तेल का आपके पास मिश्रण है, इसी के अंदर अब कुछ चीज़ें और हमें मिक्स करनी है। क्या करना है? इसी के अंदर अब आपको आधा चम्मच एकदम गाढ़ा दही मिक्स करना है। जी हाँ, एकदम गाढ़ा दही आधा चम्मच इसके अंदर आपको मिक्स करना है। आधा चम्मच इसमें आपको कॉफ़ी पाउडर मिक्स करना है, और इसी के अंदर आपको आधा चम्मच चावल का आटा या मैदा मिक्स करना है। चावल का आटा नहीं तो आप मैदा मिक्स कर लीजिए, मैदा नहीं तो आप चावल का आटा मिक्स कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। बहुत अच्छी तरीके से इनको फेंट लीजिए, 2-3 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए ताकि ये फूल जाए। जब 2-3 मिनट में ये फूल जाएगा, उसके बाद दोबारा से आप अपनी उंगली से इसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए खूब फेंटिए। फेंटने के बाद में जो मटेरियल आपने फेस के ऊपर तेल और इसका दालचीनी का पाउडर वाला लगाया था, उसी के ऊपर से आप इसको लगा लीजिए। और आप चाहें तो इसको पूरे फेस पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी झाइयाँ बहुत डार्क हैं, तो आप केवल झाइयों पर लगाइएगा, प्लस इसको आप चाहें गर्दन पर लगा दीजिएगा, क्योंकि गर्दन भी बाहर निकलने में काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो गर्दन भी इससे क्लीन हो जाएगी। या आप इसको अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद में इसको आप छोड़ दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए। और अगर आपके फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं, माथे पर भी या ठुड्डी पर भी, तो आप पूरे फेस पर इसका एक मोटा सा लेप लगा दीजिए, मोटी सी लेयर इसकी लगा दीजिए। उसके बाद आप इसको
लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और 20 मिनट के बाद पानी से फिर अपने फेस को गीला कीजिए। धीरे 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 अपने चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर मसाज देते हुए इस मिश्रण को आप उतार दीजिए, यानी इस लेप को उतार दीजिए, और फिर सादे पानी से धो लीजिए। आपको पहली बार में इसका रिजल्ट दिख जाएगा। जी हाँ, जब आपने पहली बार इसको लगाया होगा उसी समय स्किन आपकी एकदम इतनी क्लीन हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी साफ हो जाएगी, चेहरा एकदम दमक जाएगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा कितना बढ़िया फेस पैक है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर किसी के घर में उपलब्ध होती हैं, हर किसी के बजट में होती हैं। वैसे हम अपने फेस के दाग धब्बे या झाइयाँ हो जाते हैं उसके लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हजारों चक्कर लगाते हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन चीज़ें फ़ायदा नहीं करती। ये देसी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, होममेड चीज़ें हैं, इनका किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये फ़ायदा ज़रूर करती हैं। वो चीज़ अलग है कि अगर आपकी झाइयाँ बहुत पुरानी हैं थोड़ा सा समय लग सकता है, वैसे एक हफ्ते के अंदर इन चीज़ों से झाइयाँ आपकी 80% से ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर वीडियो काम की लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।